Good morning class, this is our new anaphysio class in which today we will study about the remaining portion of the liver, anatomy and physiology. देखिए हम लोगों ने सारी सर्फेसेस अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी, तो अब हम इस क्लास के अंदर डायफ्रामेटिक और विसरल सरफेस जो है लीवर की उनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि डायफ्रामेटिक सरफेस जिसको आप पैराइटल सरफेस भी कहते हैं और विसरल सरफेस जिसको आप इन्फीरियर सरफेस कहते हैं. तो पैराइटल सरफेस की जो सुपीरियर सरफेस है डायफ्राम इंटरवेनिंग की, वो दोनों साइड पर लंग और प्लूरा से कॉरस्पॉन्ड रहती है और पेरिकार्डियम और हार्ट के हार्ट इसके सेंटर में होता है. एंटीरियर सरफेस ज़िफाइड प्रोसेस और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ में रिलेशन में होती है. राइट लेटरल सरफेस डायफ्राम इंटरवेनिंग के साथ में लंग और प्लूरा में अपर थर्ड जो है अपर वन थर्ड में लंग और प्लूरा से, जबकि कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस में मिडल वन थर्ड से और टेंथ और इलेवेंथ रिब्स जो लोअर वन थर्ड की है उसके टेंथ और इलेवेंथ रिब्स में होता है. पोस्टीरियर सरफेस में पेरिटोनियम इंटरवेनिंग और पेरिटोनियम जो इंटरवेन नहीं हो रही है उसमें ईसोफेगस के एब्डोमिनल पार्ट्स है, राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड में और इन्फीरियर वीना कैवा से रिलेशन है इसका. इसी तरह से विसरल सरफेस जिसको आप इन्फीरियर सरफेस कह रहे हैं वो पेरिटोनियम इंटरवेनिंग और नॉट इंटरवेनिंग में देखिए, इंटरवेनिंग में स्टमक के साथ में, नॉन इंटरवेनिंग ड्यूडेनम, राइट कॉलिक फ्लेक्सर, राइट किडनी और गॉल ब्लैडर के साथ में, इस तरह से इनका रिलेशन है. अब ब्लड सप्लाई अपन लीवर की पढ़ लेते हैं. सारी सर्फेसेस वगैरह अपन ने देख ली, लोब्स देख लिए, बॉर्डर देख लिए, अब ब्लड सप्लाई देख लीजिए. लीवर हाईली वैस्क्यूलर ऑर्गन होता है, ये दो सोर्सेस से ब्लड को रिसीव करता है. आर्टरियल ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसको हिपैटिक आर्टरी से सप्लाई होता है, और वीनस ब्लड जो कि न्यूट्रिएंट से रिच होता है वो इसको पोर्टल वेन के द्वारा सप्लाई होता है. तो इसको दो सप्लाईज मिल रही हैं, आर्टरियल ब्लड और वीनस ब्लड. आर्टरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, वीनस ब्लड न्यूट्रिएंट रिच होता है. आर्टरियल ब्लड मिलता है हिपैटिक आर्टरी से, वीनस ब्लड मिलता है पोर्टल वेन से. अब थ्रू द लीवर लगभग 80% जो है ये डिलीवर्ड होता है पोर्टल वेन के द्वारा और 20% डिलीवर्ड होता है हिपैटिक आर्टरी के द्वारा. वीनस ड्रेनेज अब देखिए, सप्लाई हो गई. अब ड्रेनेज अधिकतर जो वीनस ब्लड है लीवर से वो ड्रेंड होता है तीन लार्ज हिपैटिक वेन्स में, लेफ्ट, मिडल और राइट. लेफ्ट हिपैटिक वेन मीडियल और लेटरल सेगमेंट के बीच में, लेफ्ट ट्रू लोब के मीडियल और लेटरल सेगमेंट के बीच में होती है. मिडल हिपैटिक वेन ट्रू राइट और लेफ्ट ट्रू लोब्स के बीच में होती है, जबकि राइट हिपैटिक वेन एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट जो राइट ट्रू लोब का है उसके बीच में होती हैं. ये वीनस ड्रेनेज है इसका. अब नर्व सप्लाई भी देख लें अपन. अपन ने क्या देखी भाई, अपन ने ब्लड सप्लाई देखी, उसमें आर्टरियल और वीनस ड्रेनेज दोनों देखा. जो ब्लड सप्लाई है उसको दो तरफ से मिल रही थी लीवर को, राइट और लेफ्ट, या आप कहिए आर्टरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई दोनों मिल रही थी. आर्टरियल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी और वीनस सप्लाई जो थी वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड थी. फिर वीनस ड्रेनेज इसकी तीन पार्ट से हो रहा था. अब नर्व सप्लाई, लीवर को सिंपथैटिक और पैरासिंपथैटिक दोनों फाइबर सप्लाई करते हैं. पैरासिंपथैटिक फाइबर्स कोलियक प्लेक्सस से डिराइव्ड होते हैं, जबकि पैरासिंपथैटिक फाइबर जो है वो एंटीरियर वेगल ट्रंक की हिपैटिक ब्रांच से डिराइव्ड होते हैं. एंटीरियर वेगल ट्रंक की हिपैटिक ब्रांच से डिराइव्ड हो रहे हैं पैरासिंपथैटिक, और सिंपथैटिक फाइबर डिराइव्ड होते हैं सीलियक प्लेक्सस से. ठीक है, सीलियक इसको बोलेंगे, सीलियक प्लेक्सस से ये डिराइव्ड होते हैं. अब फैक्टर्स वो जो लीवर को अपनी पोजीशन पे रखते हैं, तो हिपैटिक वेन जो कि लीवर को आईवीसी से कनेक्ट करती है वो इसको पोजीशन में बना के रखती है. दूसरा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो कि एब्डोमिनल मसल की टोन के द्वारा मेंटेन्ड इसको करता है, मेंटेन्ड रहता है. इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो कि एब्डोमिनल मसल की टोन के द्वारा मेंटेन्ड रहता है वो भी लीवर को अपनी पोजीशन में बना करके रखता है. और तीसरा पेरिटोनियल लिगामेंट जो कि लीवर को एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है. पेरिटोनियल लिगामेंट लीवर को एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रहा है. अब क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए, लिवर सिरोसिस
में लीवर के फंक्शंस वगैरह तो मैंने आपको पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ाई दिए थे, फिर लीवर की एनाटॉमी अब मैंने आपको सारी पढ़ा दी है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, लीवर की बीमारियाँ कि लीवर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि लिंगल कोरिलेशन। तो लीवर की सबसे खतरनाक डेंजरस बीमारी जो है वो लीवर सिरोसिस है। हिपेटोसाइट्स कई बार उसमें नेक्रोसिस हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, इंजरी नेक्रोसिस हो जाएगा और फिर उसकी डेथ हो जाती है, इंजरी और डेथ हो जाती है उसके अंदर नेक्रोसिस के वजह से। नेक्रोसिस हो रहा होता है फिर इंजरी डेथ हो जाती है, क्यों हो जाती है, किसी इन्फेक्शन से, टॉक्सिन से, अल्कोहल से या किसी पॉइजन से, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अल्कोहल, जो कि क्या करवा रहा है, लीवर के अंदर नेक्रोसिस करवा रहा है या डैमेज आप कह दीजिए। ये डेड हिपेटोसाइट्स रिप्लेस हो जाती है फाइब्रस टिश्यू से और पेरीलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू के प्रोलिफरेशन के द्वारा, जो फाइब्रस टिश्यू बन रहा होता है उसके द्वारा ये डेड हिपेटोसाइट्स रिप्लेस हो जाती है। इसीलिए लीवर सिरोसिस को जब आप देखोगे तो इसमें दो चीज़ें एक साथ दिखाई देगी, डिस्ट्रक्ट होती हुई सेल्स और नई नई बनने वाली सेल्स साथ साथ में दिखती, नई नई जो बन रही है वो भी आपको दिखाई देंगी और जो डैमेज हो रही है वो भी आपको पता चलेगा इधर के एरिया डैमेज हुआ हुआ है। तो इसमें डीजेनरेशन रीजेनरेशन एक साथ में दिखाई दे रहा होता है, ये सिरोसिस की खासियत है। अब क्योंकि हमने कहा कि डेड हिपेटोसाइट्स रिप्लेस हो गई फाइब्रस टिश्यू से, मैंने कहा नई नई सेल्स बन रही हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हिपेटिक फाइब्रोसिस हो जाएगा, जिसको अपन क्लिनिकली लीवर सिरोसिस कहते हैं। ऐसे पेशेंट में जॉन्डिस डेवलप हो जाता है और बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से जॉन्डिस जो है उसको दिखाई दे रहा होता है। वैसे भी लीवर की बीमारी में जॉन्डिस होना बड़ी आम चीज़ है, बाइल उसी से ही तो बन रहा है, फिर वो डैमेज इस तरह से हो रहा है, फिर बाइल का फ्लो अगर रुक गया तो फिर जॉन्डिस कॉज हो जाएगा। तो पहली बीमारी है लीवर सिरोसिस। अब निडल बायोप्सी आप लीवर की कर सकते हो, निडल बायोप्सी लीवर की जो है इसमें निडल इंसर्ट की जाती है मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर 9th या 10th इंटरकॉस्टल स्पेस के द्वारा। ये निडल पास होती हुई चेस्ट वॉल से पास होती हुई कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस जो है प्लूरा की, डायफ्राम की और राइट एंटीरियर इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस की से होता हुआ लीवर में एंटर कर रहा है, करती है ये निडल, और फिर निडल इंसर्ट कर जाती है 8th इंटरकॉस्टल स्पेस से ऊपर बिना लंग को इंजर्ड किए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये निडल बायोप्सी है लीवर की। अपन क्यों करते हैं, लीवर की सेल्स को देखने के लिए कि वो सेल्स कैसी हैं, नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, सही फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये निडल बायोप्सी, तो बस ये लीवर की मेन बीमारी है लीवर सिरोसिस, और फिर अपन निडल बायोप्सी से अपन उसको चेक कर सकते हैं, ख़त्म। इसके अलावा जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वो क्या हैं, जॉन्डिस है एक तो, हिपेटाइटिस है जो इन्फेक्शन है वायरस हिपेटाइटिस की वजह से डिसीज़ कॉज होती है। तो बस इसके साथ आपका ये लीवर ख़त्म, ज़्यादा कुछ है नहीं, बेचारा छुटका सा टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी वैसे तो ये रटने की चीज़ ज़्यादा है, डायग्राम को देखते रहिए और इन लाइंस को आप पढ़ते रहिए तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।